नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट वन में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों भारत सरकार अब लॉकडाउन को खोलना चाह रही है, जबकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खतरा अभी है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पिछले 2-3 महीनों से पूरे देश में लॉकडाउन है, पर अब ऐसा क्या हो गया कि सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन को हटा रही है और छूट दे रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार शायद इसीलिए अब लॉकडाउन को कम कर रही है क्योंकि एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की माने तो इस वायरस का वैक्सीन इसी साल के लास्ट सेप्टेम्बर महीने तक रेडी होकर मार्केट में आ चुका होगा। और अगर ऐसे में कोरोना वायरस का वैक्सीन मार्केट में आने तक अगर इंतज़ार करे तो देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा और देश का विकास और अर्थतंत्र बहुत साल पीछे चला जाएगा। और शायद यही कारण है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं किया है। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि महामारी तो आते रहते हैं और दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोगों की जान लेकर चले जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में 2-3 सालों के लिए ताला लगा दे। और इसीलिए शायद अगर देखा जाए तो अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा लोग इस वायरस की वजह से मारे जा चुके हैं। और अब भारत भी शायद इसी बात को ध्यान में रखकर लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दे रही है। हाँ, इस दौरान स्वाभाविक है कि कोरोना के मरीजों की संख्या और मरने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, पर अनुमान लगाया गया है कि जब तक इंडिया में डेथ की संख्या 30 से 40 हज़ार तक पहुँचेगा तब तक इस वायरस का वैक्सीन रेडी होकर मार्केट में आ चुका होगा। जबकि अमेरिका में अभी ही मरने वालों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। और यही कारण है कि जब से भारत सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा की है तब से कोरोना के मरीजों की संख्या और मरने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि 2-3 महीने के लिए हम लोग और देश की पूरी जनता खुद सतर्क हो जाए तब तक जब तक इसका वैक्सीन मार्केट में आ नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा खुद का ओपिनियन लॉकडाउन खुलने को लेकर। तो आज का इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।